प्रणाम दोस्तों, विचारधारा या यूं कहें आइडियोलॉजी, हम जानते हैं कि कैसे विचार हमारे जीवन पर एक प्रभाव डालते हैं, उसी प्रकार विचारधारा भी हमारे जीवन पर उतना ही प्रभाव डालती है। आजकल हम देखेंगे कि यूथ कितना डाइवर्ट हो चुका है विचारधारा को लेके, उनको पता नहीं है कि क्या चीज हमें फॉलो करनी है और किस डायरेक्शन में जाना है, किस विचारधारा को फॉलो करना है। हम आपस में पीयर ग्रुप्स के कारण कुछ ऐसे व्यक्तियों को फॉलो करने लग जाते हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बस एक सोशल मीडिया के थ्रू या उनका एक सॉन्ग या उनका कोई आर्टिकल ऐसा छप जाता है जो कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, बट किसी को उससे कुछ मिलता नहीं है। दे डोंट वॉन्ट टू प्रूव एनीथिंग, बट ब्लाइंडली यूथ उनको फॉलो करने लग जाता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने यूथ को सेव करें, बचाएं, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, कैसे उनको एक अच्छी आइडियोलॉजी की तरफ लेके जाएं ताकि हम उनके साथ उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकें और आने वाली जनरेशन को भी बता सकें कि क्या सही है, कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करें, या एक अच्छी आइडियोलॉजी के बारे में उनको बताएं। जस्ट गिव देम अ गाइडेंस हाउ टू फॉलो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। सो मैं वरुण कौशिक, अगर जब कोई वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। विचारधारा का जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। आप बनना क्या चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बी, आपको वो ध्यान में रखना है, और जो आपके आसपास जो लोग जुड़े हैं उनको भी ये समझाने की जरूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। होता क्या है कि हम सोशल इन्फ्लुएंस के कारण, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के कारण, जो भी चीजें आसपास हो रही हैं, जो हमारा पीयर ग्रुप है, उनके कारण कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करने लग जाते हैं और ऐसे आइडल्स को मानने लग जाते हैं जो हमें कहीं लेके नहीं जाएंगे। वो एक तरह से एक बबल है जो एट अ सर्टेन टाइम एक तरह से उठा और वो बस्ट हो जाएगा, बट उसके बाद अगर जो आपने उसको फॉलो करने लग गए तो आपके लाइफ में कोई चीज नहीं आएगा, आप सिर्फ उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं जो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आपको ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो करना है जो आप बनना चाहते हैं। फर्स्ट यू नीड टू रिकॉग्नाइज व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बी इन योर लाइफ, फॉलो दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, और जैसे जैसे आप उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जीवन में उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो आपको अचीव करना है, आप डाइवर्ट नहीं है। डाइवर्जन को हटाएं, जो आपका सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, जो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है, जो आपके पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस है, उसको हटाकर केवल अपने बारे में सोचें और ट्राई करें कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ एंड फॉलो दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर जो आपको एक ऐसा इंडस्ट्रियस्ट, ऐसा फिलेंथ्रोपिस्ट बनना है जो समाज के लिए भी काम कर रहा है और एक अच्छी इंडस्ट्री भी डेवलप कर रहा है, तो आप इसको फॉलो करेंगे, तो आप फॉलो करेंगे रतन टाटा जी को। रतन टाटा ने अपनी पूरी लाइफ समाज को समर्पित करी है। वो एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ देयर इनकम विल गो इन समाज को बनाने के लिए, और जो हमारी चैरिटी होती है उसके लिए, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जितनी भी चैरिटीज चल रही हैं, आप देखेंगे टाटा ग्रुप में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक इंडस्ट्रीज अच्छे साबित नहीं हो पाए, बट वो दोनों चीजों में सक्सेसफुल रहे हैं, एज अ सोसाइटी बिल्डर एंड ऑल्सो एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट। सेम चीज आपने फॉलो करना है एक ऐसे व्यक्ति को, आप कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जो अध्यात्म के मार्ग पर गया है, तो आप फॉलो कर सकते हैं विवेकानंद जी को, जिन्होंने अपनी एक कम आयु में इतनी चीजें, इतना कुछ ज्ञान अर्जित किया मेडिटेशन के थ्रू, गुरु ज्ञान के थ्रू, और इतनी जल्दी वो इतना कुछ अचीव कर पाए अपने थोड़े से लाइफ स्पैन में कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक मार्गदर्शन दिया, एक मार्ग दिखाया कि कैसे आप अध्यात्म के साथ जुड़कर अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं और अपने समाज को कैसे बेटरमेंट की ओर लेके जा सकते हैं। आपको चूज करना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बी इन योर लाइफ।
डोंट ट्राई टू बिकम अ काइंड ऑफ, ऐसा व्यक्ति ना बने जो सिर्फ एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और आप उसके मार्ग पर चलने लग गए, उसको कोई गाना हिट हुआ हो गया तो आप उसी के कल्चर पर, उसी कल्चर को फॉलो करने लग गए। तो ट्राई करें कि एक ब्रॉड माइंडसेट लेके चलें, सिर्फ समाज के या सोसाइटी के दबाव में आकर, सोशल इन्फ्लुएंसर जो बन रहे हैं उनके दबाव में आकर ऐसी कोई चीज ना करें जो आपको आगे ना ले जाएगी, केवल एक जगह पर लाकर रोक देगी। विचारधारा कोई भी हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, चाहे वो जीवित है या मृत। आप कोई ऐसा गुरु या कोई ऐसा व्यक्ति चुन सकते हैं जो अभी अपनी फिजिकल बॉडी में ऑलरेडी है, प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट मोमेंट में, मतलब कि फ्यूचर में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। या हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, हमारे बहुत सारे ऐसे विचारक हुए जो अपना शरीर त्याग चुके हैं बट उनका लिटरेचर बहुत आगे तक बढ़ा हुआ है। लिटरेचर को पढ़ें, उनके उनके ज्ञान को अर्जित करें और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया और कैसे हम उनके मार्ग पर चलकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, अपना दिमाग भी लगाएं बट एक ऐसे विचारधारा को चुनें जो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती है, जो आपको समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए समर्पित करती है और जो आपको एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है जो काफी लोगों की जिंदगी पर असर छोड़ रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो लोग अपनी देह त्याग चुके हैं जो फिजिकल बॉडी में नहीं है, लाइक श्री राम शर्माचार्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप ओशो का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये जितने भी गुरु हुए हैं, पुराने गुरु हुए हैं, वो अपना देह त्याग चुके हैं बट उनका लिटरेचर काफी अच्छा है, लिटरेचर काफी बड़ा भी है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और जब प्रेजेंट लाइफ में हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, सदगुरु जग्गी हैं, और अगर जो आप इंडस्ट्री उसमें जाना चाहते हैं तो रतन टाटा जी हैं, तो आप इन व्यक्तियों को फॉलो करें। आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करें जो सोशली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको। थैंक यू।